दिवस के अवसर पर दैनिक जागरण और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में देश के जाबाज योद्धा दीपचंद नायक जी के सहयोग से दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका आपको बता दें संचालन अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के संगठन सचिव और कोषाध्यक्ष मोनिका शर्मा ने किया है, जो शुरुआत से ही इससे जुड़ी हुई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की रक्षा करते समय अपने शरीर के अंग खो देने वाले उन जाबाज सिपाहियों को समाज के सामने लाने और उनके जीवन शैली को सबके सामने रखने का था। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दैनिक जागरण के मैनेजर महेश शर्मा जी ने योगदान दिया। इस कार्यक्रम में देवराज जी ने सुपुत्र कैप्टन तुषार महाजन कारगिल युद्ध में शहीद हुए व शामिल हुए। हवलदार सुनील कुमार जो कि मेरठ से जुड़े थे, युद्ध में उनके दोनों पैर में दोनों हाथ चले गए। डॉक्टर गोपी जो कि पूर्व सैनिक रहे और इनके पिता जो कि दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही समाज की सेवा में लगा दिया। आज भी समाज से जुड़े निम्न स्तर के लोगों को अपनी डॉक्टरी की सेवा उपलब्ध करा रही है। डॉक्टर गोपी ने अपने शरीर समाज को दान दे दिया। राम नरेश यादव जी जिनका शरीर पैरालाइज है, देश की सेवा करते हुए उनके शरीर का नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर चुका है। लक्ष्मीकांत सिरके जी इस कार्यक्रम से जुड़े, जिनका एक पैर में एक हाथ ना होते हुए उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग तक दान कर दिए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और एक हाथ एक पैर से ही ना जाने कितने किलोमीटर कार चलाकर दो बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। जयवंत रावत जो कि एक समाज सेवी हैं, जयवंत रावत जी ने अपने जीवन को अपने सैनिक भाइयों के लिए समर्पित कर दिया। जयवंत रावत जी ने ऐसा घर निर्माण किया है जिसमें 15 से 20 सैनिक अपने भाई परिवार सहित रह सकते हैं। उन्होंने अपने खून पसीने तक सैनिक भाइयों की सेवा में लगा दिया। राकेश जी जो कि एक समाज सेवी हैं, पंजाब जालंधर से इस कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने सैनिक भाइयों के लिए लगातार कार्य किए हैं। इस कार्यक्रम में दीपचंद नायक जी ने संपूर्ण समाज का आह्वान किया है, वह जिन सिपाहियों ने देश की सेवा करते हुए अपने शरीर के अंग खो दिए उनको समाज समझे व सरकार द्वारा उचित सम्मान दिए जाए। योग शिक्षक महासंघ के संगठन सचिव मोनिका शर्मा ने सरकार से आह्वान किया है कि सरकार ऐसे सैनिकों जिन्होंने युद्ध में अपने प्राणों की बाजी तो लगाई, साथ ही उन्होंने अपने शरीर के अंगों को खोया ऐसे सैनिक जिनका परिवार दिन प्रतिदिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा, उनके लिए सरकार उचित वित्तीय व्यवस्था करे। जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर तमाम खबरों को आप फेसबुक पर देख रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।